हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम रेनु मैम। ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी, संस्कृत पाठ माला भाग 3, पंचमह पाठ है। पाठ 5, धनस्य महत्वम, धन का महत्व। सबको पता है कि धन का कितना महत्व है, फिर भी हम पाठ के माध्यम से जानते हैं कि धन का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो आइए चलती है, जानते हैं, फिर चलते हैं। यस्याक्ति वित्तम सनरह नकुलीन स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। क्या कहा है धन के विषय में इन्होंने, जिसके पास धन है वही व्यक्ति ऊंचे कुल का है, उच्च कुल का है, वही पंडित है, वही शास्त्री है, वही शास्त्रों का ज्ञाता है, वही दूसरों का आंकलन करने की क्षमता रखता है, दूसरों को पहचानने की क्षमता भी वही व्यक्ति रख सकता है जिसके पास धन है। वही अच्छा बोलने वाला है, उत्तम वक्ता है, और उसी का व्यक्तित्व यानी कि उसी की पर्सनैलिटी, उसी का ही व्यक्तित्व प्रभावशाली है, और वही व्यक्ति सुनने और देखने के लायक है। सभी गुण सोने पर निर्भर करते हैं। धन तो वह गुण है, अन्यथा कुछ भी नहीं। धन है अगर तो गुण है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। क्या बताया ना इसके माध्यम से कि जिसके पास धन है वो ही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो ही ऊंचे कुल का है, वो ही दूसरे व्यक्ति का आकलन कर सकता है, और वो ही सुनने और देखने योग्य है, वो ही अच्छा बोलने वाला है, और वही मनुष्य ऊंचे कुल वाला है, वही ज्ञानी है, वही शास्त्रों का ज्ञाता है, क्योंकि जिसके पास धन है वही सबसे गुणवान है। ऐसा इन्होंने धन के लिए कहा गया है, अन्यथा कुछ भी नहीं। संसारे सर्वश्रेष्ठ वस्तु धनमेव अस्ति। संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है बच्चों, धन है। धनेन विना कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। धन के बिना कोई काम नहीं होते हैं। जीविका निर्वाहश्च कथमपि न भवति। हम अपने जीवन का निर्वाह यानी कि जीवन यापन भी धन के बिना नहीं कर पाते हैं। धनम बिना विद्योपार्जनम कर्तुम न शक्यते, यानी कि धन के बिना हम विद्या भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और न्यायालय न्यायोपि न भवितुम शक्नोति। और हम जब न्यायालय में जाते हैं वहाँ भी अगर हमारे पास धन नहीं है तो हमें न्याय नहीं मिलता है। धनम बिना सर्वमपि वस्तु नीरसम प्रतिभाति। धन के बिना हर व्यक्ति, हर चीज, हर वस्तु हमें बिल्कुल नीरस, बिल्कुल बेजान, बेकार नजर आती है, क्योंकि धन है तो सब कुछ है। अस्य पार्श्वे धनम नास्ति। इसके पास धन नहीं है, तस्य काचित्, जिसके पास धन नहीं है तस्य काचिदपि अभिलाषा न पूर्तिमेति। जिसके पास धन नहीं है उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है। धन ही सुख सागरम तरंती। धन से ही सुख के सुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। निर्धनता समस्त आपदाम ग्रहम अस्ति। जो निर्धनता है यानी कि गरीबी है वो समस्त विपत्तियों की का घर है। अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अंतक दुखम नष्ट धनाश्रयस्य न कोऽपि मित्रम भवति। यानी कि जिसके क्या है कि थोड़ी सी मुसीबत, अल्पधन, थोड़ी सी मुसीबत, मृत्यु, गरीबी और अंत तक दुख, जिसने अपना धन खो दिया उसका कोई भी मित्र नहीं होता है। धनेन विना शील शशिनः कांतिरपि परिमलायते। धन के बिना पूर्णिमा के चांद की रोशनी भी फीकी लगने लगती है। धनेन बिना बांधवस्य वाक्य अपि न विश्वसति। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपके रिश्तेदार, आपके बंधु बांधव आपके किसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। धनहीनस्य जनस्य जीवनम व्यर्थमेव प्रतिभाति। धन के बिना मनुष्य का जीवन बेकार ही दिखाई देता है। धन ही सब कुछ है। प्राचीन ही मुनि भीरपि धनस्य आवश्यकता उपयोगिता च स्वीकृता। प्राचीन काल में भी मुनियों ने धन की आवश्यकता और उसकी उपयोगिता को स्वीकार किया। चतुर वर्ग फल प्राप्ति रपि धने नैव संभवति। चारों फलों की प्राप्ति भी
धन से ही संभव होती है। चतुर वर्ग की फल की प्राप्ति भी, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर वर्ग फल की प्राप्ति भी धन से ही संभव होती है। धने नैव धर्मो अपि प्रसरति, धन से ही धर्म भी फैलता है, धन से धर्म का प्रचार भी किया जाता है। अतः सर्वे धनोपार्जनम कर्तव्यम, इसीलिए सबका ये कर्तव्य है कि वो धन का क्या करें, कि धन कमाना सभी का कर्तव्य है। लेकिन बच्चों इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, धन कमाना मेहनत करके अच्छे रास्ते पर चल के धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन बुरी रास्ते चलकर और बुरी बातों से धन कमाना, उससे आपको धन कमाना बिल्कुल बेकार है। वो धन जिस रास्ते से आता है उन बुरे कामों में ही वो नष्ट हो जाता है। धनई अकुलीना पी कुलीना भवंती, धन से ही जो अकुलीन होते हैं, जिनका कोई कुल नहीं होता कि अरे ये बुरे कुल का है, वो भी कुलीन कहलाए जाते हैं। संसारे समस्त गुणा धनमेवाश्रयंती, संसार में सारे जो गुण हैं वो धन पर ही निर्भर है, सब कुछ धन पर ही निर्भर है। ये तो बिल्कुल सत्य है कि सब कुछ धन पर निर्भर है, परंतु कुछ बातें अभी भी धन के साथ साथ एक ऐसी शक्ति है, अलौकिक शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, जो उसके हाथ में अभी भी, ईश्वर के हाथ में सब कुछ है, ऐसा भी मानना है। धन ये इससे पाठ से अलग बच्चों में आपको बता रही हूँ कि धन बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, पर धन सब कुछ नहीं है। इसका मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ कि जब कोई परिवार का सदस्य बहुत खराब हालत में और वो अस्पताल में ले जाते हैं उसको, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग अस्पताल में जाने के बाद, उनके पास पैसा भी बहुत होता है, वो डॉक्टर से कहते हैं कि हमारा सब कुछ पैसा ले लो परंतु हमारे व्यक्ति को ठीक कर दो। लेकिन एक ऐसी शक्ति होती है, डॉक्टर क्या कहता है, सब कुछ ठीक है लेकिन ऊपर वाले पर विश्वास रखो। तो धन बहुत कुछ है जीने के लिए, सब कुछ धन ही होता है, लेकिन एक अलौकिक शक्ति ऐसी है जो बिना धन के सब कुछ करती है, और आपका धन रखा का रखा रह जाएगा, अगर उसकी इच्छा नहीं होती तो कुछ भी कार्य संभव नहीं होता है। ये तो हमने पाठ में जाना कि धन ही सब कुछ है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ हैं बच्चों, उनके बारे में जानते हैं हम। विद्योपार्जनम यानी कि ज्ञान का अर्जन करना, विद्या को प्राप्त करना। न्यायालय माने यानी कि कचहरी में प्रतिभाति प्रतीत होती है, अभिलाषा इच्छा, आपत्तियां आपत्ति यानी कि डिस्ट्रेस, सौहार्दात प्रेम से, शील शलिन शशिना यानी कि मलिन होता है यानी कि गंदा होता है। धनोपार्जनम धन का संग्रह करना, धन को इकट्ठा करना। चतुर्वर्ग है यानी कि चार वर्ग होते हैं हमारे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उनकी प्राप्ति भी बताया था पाठ में, धन के बिना असंभव है। नेक्स्ट हमारी अब एक्सरसाइज है, अभ्यास कर रहे हैं बच्चों। पहली हमारी एक्सरसाइज है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। प्रश्नों के उत्तर हम हिंदी में भी दे सकते हैं। संसारे सर्वश्रेष्ठ कै वस्तु अस्ति, संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है, धनम। संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु है धन। कह सर्व आपदाम ग्रहम अस्ति, सभी आपदाओं का घर क्या है, निर्धनता, गरीबी सब परेशानियों का घर है। धनई मानवा कम तरंती, धन से मनुष्य क्या पार कर लेते हैं, सुख सागरम, सुख सागरम। धनय नैव किमपि प्रसरति, धन से ही क्या फैलता है, धर्म अपि, धर्मो अपि प्रसरति, धन से धर्म का भी प्रचार होता है। धनई किमपि कुलीना भवंती, धन से कौन कुलीन हो जाते हैं, अकुलीना अपि कुलीना भवंती, अकुलीना अपि कुलीना भवंती। आज के समाज में, आज के परिवेश में धन की बहुत आवश्यकता है, ये एकदम सही बात है कि धन के बिना आप कई बार कुछ नहीं कर पाते हो। तो और धन को उपार्जन करना, धनोपार्जन करना, धन का संग्रह हम कैसे करें, उसके लिए हमें मेहनत, ईमानदारी, सच्ची लगन से कार्य करना चाहिए, तभी हम धनोपार्जन कर सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बच्चों। धनम बिना डैश कर्तुम न शक्यते, धनम बिना
किमपि कार्यं कर्तुं न शक्यते। धनेन बिना कार्याणि, कोई भी कार्य धन के बिना सफल नहीं होते हैं। डैश जीवनस्य जीवनम व्यर्थमिव प्रतिभाति। धनेन बिना जीवनस्य जीवनम व्यर्थमिव प्रतिभाति। संसारे समस्त गुणा, संसार में समस्त गुणा धनेनैव आश्रयन्ति। नेक्स्ट है धनै डैश कुलीना भवन्ति, धनै अकुलीना, अकुलीना अपि कुलीना भवन्ति। अकुलीन लोग भी कुलीन हो जाते हैं, बिना कुल वाले भी जो धनवान होते हैं उनको कहते हैं अरे बड़े अच्छे कुल वाला है, क्योंकि उसके पास पैसा है। इसीलिए एक्सरसाइज नंबर 3 है बच्चों, सही उत्तर पर सही काम में निशान लगाना है। जैसे विकल्प दिए हुए हैं 3 यहाँ पर, संसारे सर्वश्रेष्ठ वस्तु अस्ति, संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु कौन सी है? विद्या, धन या समय? धन। समस्त आपदाम ग्रह अस्ति, समस्त आप विपत्तियों का घर क्या है? निर्धनता, दुख या धन? निर्धनता। धनहीनस्य जनस्य जीवनम प्रतिभाति, सुखम आनंदितम या व्यर्थमेव? व्यर्थमेव। एक्सरसाइज नंबर 4 है बच्चों, ये हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। कुछ वाक्य दिए हुए हैं हिंदी में, इनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला वाक्य है संसार में समस्त गुण धन पर ही आश्रित है। संसारे समस्त गुण धनेनैव आश्रयन्ति, धन पर ही आश्रित है। दूसरा है जिसका धन नष्ट हो जाता है उसका कोई मित्र नहीं होता। यस्य धनम नश्यति तस्य कोऽपि मित्रम न भवति। जिसका धन नष्ट हो जाता है उसका कोई भी मित्र नहीं होता है। धन के बिना बांधव वचनों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। धनेन बिना बांधव वचनानाम वचनानाम अपि न विश्वसन्ति। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति धन हेतु धन आवश्यक है। हम धर्म अर्थ काम मोक्ष भी लिख सकते हैं, और हम चतुर्वर्ग फल प्राप्तिम धनम आवश्यकम अस्ति। नेक्स्ट है प्राचीन भूमि भी धन की आवश्यकता और उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। प्राचीन भूमि अपि धनस्य आवश्यकता च उपयोगिताम उपयोगिताम स्वीकुर्वन्ति। प्राचीन भूमि भी धन की आवश्यकता और उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। पाठ में आए हुए कुछ हिंदी वाक्य को हमने संस्कृत में अनुवाद किया बच्चों। इस प्रकार नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है वाक्य बनाने हैं, मेक सेंटेंसेस है। दरिद्रम अहम्, दरिद्रम अस्मि। अहम् दरिद्रमस्मि। बांधवा धनस्य विना
बांधवा अपि न विश्वसन्ति। सुख सागरम संसारे सुख सागरम अहम तरामि। धर्मो अपि धने धर्मो अपि प्रसरति। पंडितः सह पंडितः अस्ति, वह पंडित है। अब बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6 है हमारी, निम्नलिखित द्वितीय अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद करो। जो पाठ में हमारा द्वितीय अनुच्छेद आया है दूसरा वाला, जो है अस्य पार्श्वे डैश डैश व्यर्थमी प्रतिभाति, जिसके पास धन नहीं है उस वो कुछ भी नहीं कर सकता, ये वाला जो हमारा पाठ है इसका हमें हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में, मैंने आपको समझाया था, अपनी कॉपी में करना है, हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। इसको हम करेंगे। अब ये एक्टिविटी काम है हमारा, इसमें धनस्य महत्वम विषय पंचवाक्यानि लिखत, यानी कि जो धन के महत्व के विषय में कोई भी 5 वाक्य आपको हिंदी में लिख सकते हैं आप, चाहे आप संस्कृत में लिख सकते हैं। ये वाक्य आपको होमवर्क में ये कार्य करके आप अपने टीचर को दिखाइए। ये 5 वाक्य आपको धन के महत्व पर लिखना है कि धन की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, धन के बिना कुछ नहीं हो सकता, धन से ही व्यक्ति पंडित है, धन से ही व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता है, और धन से ही वे अकुलीन से कुलीन होता है ना, और धन के बिना हम अपनी संसार रूपी सागर से सुख सागर से कोपार नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे 5 वाक्य हैं जो आपको इसमें लिखने होंगे और अपने टीचर को दिखाने होंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में धन के महत्व को जाना। अब हम नेक्स्ट पाठ में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।